हेलो नमस्ते यादव सत श्री अकाल केम छो एंड कैसा का है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों मेरे रीसेंट टाइम्स में इतने सारे लाइटिंग अपग्रेड के वीडियोस आए हैं, लेकिन मुझे द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज नमन भाई, आप गाड़ी के अंदर जो है प्रोजेक्टर्स है उसको निकाल के नए लेजर फ्लक्स प्रोजेक्टर्स तो डाल ही रहे हो, लेकिन वॉट इफ अगर मेरी गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर्स ही नहीं है। भाई आज का केस हमारा कुछ इसी तरीके का है। अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास ग्रैंड आइटन नियोस आई है, इसके हेडलाइट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कंपनी के साथ हैलोजन का ही ऑप्शन है, मतलब बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्टर्स है, देयर इज नो प्रोजेक्टर लेंस एट ऑल। इससे पहले कस्टमर ने उसके अंदर हैलोजन बल्ब निकाल के व्हाइट एलईडी बल्ब डाले, लेकिन आज कितने भी अच्छे व्हाइट एलईडीज रहो दे विल नो डाउट गिव यू वेरी गुड स्प्रेड एंड स्पॉट, लेकिन जो एक लाइन के जैसा जो फोकस थ्रो आता है वो आपको आएगा जब हम खाली इस गाड़ी के अंदर लेजर फ्लक्स प्रोजेक्टर्स डालेंगे। तो अगर आप देखोगे दोस्तों आज हम इस गाड़ी के अंदर ये प्रोजेक्टर लाइट डालने वाले हैं, जिसके बॉर्डर में एक ब्यूटीफुल DRL भी आएगी, एंजल लाइट जिसे हम कहते हैं। सेंटर में ये प्रॉपर प्रोजेक्टर लेंस रहेगा। एंड अगर आप देखोगे इसके पीछे यहाँ पर कोई एक सिंगल परसेंट बल्ब ही नहीं है, पूरा का पूरा LEDs कॉन्सेप्ट है, पूरा ही लेजर टेक्नोलॉजी है। तो बिना कोई बल्ब का ये सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ LEDs ही लगते हैं, लेकिन फिट होने के बाद इसका जिस तरीके से डायरेक्टेड फोकस और जो थ्रो आएगा भाई, मैं गारंटी दे सकता हूँ चाहे वो कितनी भी टॉप मोस्ट क्वालिटी के आप हेडलाइट में LED बल्ब डला लीजिए, इसके सामने सब फेल है। लेकिन नॉट ओनली द हेडलाइट्स फ्रेंड्स, आज इस ग्रैंड आइटन नियोस के अंदर जो कंपनी के साथ फॉगलाइट्स का भी प्रोविजन आता है वो कुछ इस तरीके की फॉगलाइट आती है। नो डाउट वो व्हाइट कलर की फॉगलाइट होती है, लेकिन वो भी हैलोजन बल्ब के साथ आती है, प्रोजेक्टर लेंस के साथ आती है, लेकिन हैलोजन बल्ब होता है पीछे, देयर इज नो व्हाइट LED नथिंग एट ऑल। अगेन हम इसके अंदर बल्ब चेंज नहीं करने वाले दोस्तों, हम उसे भी पूरी तरीके से रिप्लेस करके इस तरीके की प्रॉपर एक नई प्रोजेक्टर डालने वाले जो कंप्लीट मेटल बॉडी केसिंग है, एंड इसके अंदर ट्राई कलर ऑप्शन आएगा हमें। तो आपको इसके अंदर खाली व्हाइट ही नहीं, वार्म व्हाइट एंड ऑल्सो येलो, तीनों कलर के ऑप्शंस मिलेंगे। भाई इसका गाड़ी का जिस तरीके का लाइटिंग अपग्रेड यहाँ से यहाँ जाने वाला है ना, इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। तो आज रिफ्लेक्टर वाली गाड़ी के अंदर भी प्रोजेक्टर्स डाल के आपको ये सेटअप बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड, काम होने के बाद लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे रोड पे कि किस तरीके का इसका फोकस थ्रो आ रहा है, एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योर कार। तो हमारी ये ग्रैंड आइटन नियोस के जो हेडलाइट्स है वो पूरी तरीके से प्रोजेक्टर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, एंड हाउ ब्यूटिफुल इज द फिटमेंट, मतलब मैं तो फैन हो चुका हूँ भाई। फोकस एंड थ्रो कैसा भी रहो, अगर प्रोडक्ट में दम है और फिटिंग में अगर दम ना होना भाई, वो प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फिटमेंट जहाँ पर द फिटिंग इज़ अनदर डिफरेंट लेवल। आप खुद देख सकते हो दोस्तों इस हेडलाइट के अंदर अब जो ये प्रोजेक्टर फिट हो चुका है कितना ज़्यादा अमेजिंग सा दिख रहा है। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ये पूरा जो भी आप सेटअप देख रहे हो स्टॉक प्रोविजन के अंदर ही फिट हुआ है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया गया है। हमने हेडलाइट को भी अंदर से क्लीन कर दिया है, वो एक एडवांटेज और हमें एड ऑन हो चुका है। एंड इसके अंदर ये जो राउंड आप देख रहे हो इज़ द डे टाइम रनिंग लाइट, एंड उसके बीच में इज़ द प्रोजेक्टर लेंस। तो लेट मी नाउ क्विकली जस्ट स्विच ऑन द डे टाइम रनिंग लाइट एंड शो यू फर्स्ट। तो अगर आप देखोगे DRL ऑन करते हैं कैसा रिंग के जैसा लाइट बॉर्डर में आ जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम लुक दे रही है गाड़ी में। हेडलाइट जब ऑन करोगे तो वाइट बीम आएगी उसमें से, वैसे ही लो बीम हाई बीम दोनों काम करेगा। प्लस हम जब इंडिकेटर डालेंगे तो वो जो DRL है इट विल कीप ऑल्सो ब्लिंकिंग इन ऑरेंज कलर। हाउ कूल इट इज़, मतलब दिख रही है ना लग्जरी अलग लेवल पे। अगर आप नीचे के तरफ में फॉगलाइट्स पे ध्यान दोगे थोड़ा तो आप देख सकते हो कि हमने सेम ओरिजिनल स्टॉक प्रोविजन में ये सेंटर में ट्राई कलर फॉगलाइट्स भी डाले हैं। तो हम जब फॉगलाइट को ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये प्रॉपर येलो कलर की लाइट आएगी, उसको ही ऑफ करके उसको ऑन करेंगे तो प्रॉपर व्हाइट कलर आएगा, एंड उसी को ऑफ करके वापस ऑन करेंगे तो वार्म व्हाइट कलर आएगा। मतलब एक ही लाइट में तीन कलर ऑप्शंस है। प्लस हम जब लो बीम हाई बीम जब करेंगे तो आप देख सकते हो दैट हेडलाइट्स एंड फॉगलाइट्स विल वर्क टुगेदर ऑल्सो। तो वायरिंग पूरी ओरिजिनल ही की गई है, कहीं पर भी हमने एक सिंगल परसेंट भी कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट आप लोग के सामने है कितना ज़्यादा अमेजिंग है। तो अभी बिकॉज दोस्तों इट इज़ डे टाइम, आप खुद देख सकते हो दोपहर के सिर्फ 4 बज रही है अभी, एंड कस्टमर को लेट हो रहा था। आई विश आई कुड शो यू कि रात में इसका इम्पैक्ट कितना क्रेजी है, बट मैं अब आप लोग को एक शेड में लेकर आया हूँ जहाँ बताने वाला हूँ कि इसका इम्पैक्ट दिन के टाइम पे भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप देखोगे दिस इज बेसिकली द शेड ओवर हियर विदाउट एनी लाइट्स ऑन फ्रेंड्स। हम जब यहाँ पर हेडलाइट ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो एक प्रॉपर व्हाइट कलर की बीम आएगी, मतलब आपको फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक और पीछे की दीवार तक भी अगर आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन के जैसा पास हो रही है जो यहाँ पर तक पूरी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। दिस इज बिकॉज ये जो लाइट्स है प्रोजेक्टर्स है तो एक स्ट्रेट बीम पैटर्न फॉलो होगा। प्लस हम जब एक हाई बीम डालेंगे तो यही सेम लाइट्स आप देख सकते हो कितना दूर तक जा रहा है।
सो दिस इज द लो बीम एंड दिस इज द हाई बीम. कैन यू सी ओवर देयर फ्रेंड्स, वो जो पीछे दीवार है वहां पर तक हमारा हाई बीम आ रहा है. दिन के टाइम पे ये फोकस है भाई, तो रात में आप सोच सकते हो कितना ज्यादा और क्रेजी रहेगा ये. जब मैं फॉग लाइट्स ऑन करूंगा तो आप खाली लोअर ग्राउंड क्लियरेंस देखना फ्रेंड्स. यहाँ पे मैं अभी हेडलाइट को ऑफ कर दे रहा हूँ. सो दिस इज जस्ट द फॉग लाइट इन वॉर्म वाइट कलर, दिस इज द फॉग लाइट इन प्योर येलो कलर, एंड दिस इज द फॉग लाइट इन प्योर वाइट कलर. अगेन फ्रेंड्स, लोअर ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से दिस इज अ टू गुड प्रोडक्ट टू बी ट्रू. दिन के टाइम पे आई एम वेरी श्योर कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि नमन भाई है कैसा क्या है, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इस लाइट का फोकस एंड थ्रो इज इनसेन. इस गाड़ी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं एक और एक लिंक छोड़ रहा हूँ, जिस जहाँ पर हमने एक सफारी गाड़ी के अंदर ये प्रोजेक्टर्स बिठाए थे जिसका हमने रात में प्रॉपर शॉट लिया है, एंड आप उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से इसका नाइट टाइम फोकस एंड थ्रो है. आई एम वेरी मच हैप्पी विद द ओवरऑल फिटमेंट. फोकस एंड थ्रो वाइज द कस्टमर इज वेरी हैप्पी, एंड आई होप टू सी यू गाइज एट कार्सोनिक्स वेरी सून, जहां पर आपके भी हेडलाइट्स में इस टाइप के फिटमेंट करना चाहोगे. वेल फ्रेंड्स, अगर आप इस टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हो तो ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर देम विद ऑल योर फैमिली फ्रेंड्स एंड लव वंस. थैंक यू सो मच एवरी वन.